नमस्कार दोस्तों, नव भारती स्टडी सर्कल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आप सबको बताया भी था, मैंने पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया कि रीट की तैयारी कैसे करनी है और सामाजिक विज्ञान का जो इतिहास वाला सब्जेक्ट है, सबसे पहले मैं आपको वो क्लियर करवा रही हूँ। बच्चों, आप सब जानते हैं बच्चों कि हमारे दूसरा टॉपिक है वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता हमने पिछले के वीडियोस में पढ़ा था। आज हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता हमने पढ़ लिया था। आज हमारा टॉपिक है वैदिक सभ्यता। सिंधु सभ्यता में मैंने आपको बताया था कि सिंधु घाटी की सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यता मानी जाती है। सिंधु घाटी की सभ्यता नगरीय सभ्यता मानी जाती है, जबकि हम वैदिक सभ्यता की बात करें तो वैदिक सभ्यता के निर्माता जो है बच्चों, वो आर्य माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? आर्य माने जाते हैं। और वैदिक साहित्य के माध्यम से हमें वैदिक सभ्यता का ज्ञान मिलता है। वैदिक सभ्यता को बच्चों हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक होता है आपका ऋग्वेदिक और दूसरा है आपको उत्तर वैदिक। इन दो कालों में आप वैदिक सभ्यता को बांट सकते हैं, दो भागों में हम इसको समझ सकते हैं। तो वैदिक सभ्यता को हम दो भागों में बांट सकते हैं, ऋग्वेदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता। ऋग्वेदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता दोनों का ज्ञान हमें वैदिक साहित्य के माध्यम से मिलता है, जिसमें वेद, उपनिषद, आरण्यक और पुराण, इन सब के माध्यम से हमें इस समाज के बारे में जानकारी मिलती है। आप सब जानते हो बच्चों कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें ज्ञान पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से होती है, जबकि वैदिक सभ्यता के पुरातात्विक साक्ष्य बहुत कम मात्रा में मिले हैं, बहुत कम मात्रा में अभिलेख और मोहरे हमें प्राप्त हुई है। लेकिन जो साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध है, उसके आधार पर वैदिक सभ्यता के बारे में हम अध्ययन करेंगे। वैदिक सभ्यता को पढ़ने से पहले बच्चों, आपको कक्षा 9th और 10th में जो टॉपिक दिया हुआ है वैदिक सभ्यता का, उसके बारे में एक बार जरूर पढ़ें। RBSC की बुक में से कक्षा 9th की जो बुक है, उसमें से आप वैदिक सभ्यता को पढ़ सकते हैं। इसके साथ आप मेरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको वैदिक सभ्यता समझ में आ जाएगी। बच्चों, तो आज हमारा टॉपिक है बच्चों वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के बारे में अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्यों को माना जाता है। तो ये आर्य आए कहाँ से थे, इसके बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। बच्चों देखो, अविनाश चंद्रदास और संपूर्णानंद ने कहा है कि ये आर्य जो है सप्त सैंधव प्रदेश के निवासी थे। सप्त सैंधव प्रदेश, जहां पर सिंधु नदी और उसके आसपास की जो नदियां बहती थी, उसके आसपास के इलाके में जिस सभ्यता का विकास हुआ, उसी को हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। और वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्यों को माना जाता है बच्चों। उसके बाद गंगानाथ झा ने जो है आर्यों के प्रदेश को ब्रह्मश्री देश के निवासी माना है। गंगानाथ झा ने कहा है कि ब्रह्मऋषि देश के में ही इस वैदिक सभ्यता का निर्माण हुआ था। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक ने कहा है कि ये जो आर्य थे, ये मूल रूप से उत्तरी ध्रुव प्रदेश के निवासी थे, वहाँ से आकर के ये यहाँ आकर के बसे थे। जबकि राजबली पांडे ने कहा है कि मध्य प्रदेश का जो इलाका है, वहाँ से आर्य आए थे। इसके अलावा मैक्स मूलर का कहना है कि जो आपके आर्य थे, वो मध्य एशिया के मूलतः निवासी माने जाते हैं। ज्यादातर विद्वानों ने मैक्स मूलर के मत का समर्थन किया है और कहा है कि आर्य मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। तो देखिए बच्चों, अविनाश
चंद्रदास और संपूर्णानंद ने कहा कि वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य सप्त सैंधव प्रदेश से आए थे। इनका मूल निवास सप्त सैंधव प्रदेश था। इसके अलावा गंगानाथ झा ने कहा कि उनका मूल निवास स्थान ब्रह्म ऋषि देश था। इसके अलावा राजबलि पांडे कहते हैं इनका मूल निवास स्थान मध्य प्रदेश था। बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव प्रदेश बताया और मैक्स मूलर ने मध्य एशिया बताया है और बताया है कि ये यहाँ के मूलतः निवासी थे। यहाँ आकर के उन्होंने अनार्यों को पराजित किया और आर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ऋग्वेदिक जो आपका ऋग्वेद है, सबसे पुराना जो वेद है ऋग्वेद, उसके सातवें अध्याय में दाशराग युद्ध का वर्णन किया गया है। इस दाशराग युद्ध के माध्यम से हमें पता चलता है कि आर्यों ने अनार्यों को पराजित करके इस प्रदेश पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था और इस वैदिक सभ्यता का निर्माण किया था। इसके बारे में हमें दाशराग युद्ध के का पता चलता है। इस दाशराग युद्ध के माध्यम से हमें ये भी पता चलता है कि वैदिक सभ्यता की में लोहे का आविष्कार हो चुका था। अस्त्र शस्त्रों का निर्माण लोहे के माध्यम से किया जाता था। जैसा कि हमने सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ा कि वो लोग शांति प्रिय थे, जबकि वैदिक सभ्यता के जो लोग थे या राजा थे वो युद्ध प्रिय थे, युद्ध प्रियता में विश्वास करते थे। ठीक है बच्चों, तो दाशराग युद्ध होता है। इस युद्ध के बारे में वर्णन करता है ऋग्वेद का सातवां मंडल और इस ऋग्वेद के सातवें मंडल में लिखा हुआ है कि सुदाश जो राजा था उसके और 10 अन्य राजाओं के मध्य युद्ध हुआ था। युद्ध का कारण था विश्वामित्र अपने प्रतिशोध का बदला लेना चाहता था। इसीलिए बच्चों दाश ये युद्ध होता है सुदाश और 10 राजाओं के मध्य। परुषणी रावी नदी को ऋग्वेदिक काल में परुषणी नदी के नाम से जाना जाता था। तो इस परुषणी नदी के किनारे दाशराग युद्ध होता है। इसमें सुदाश जीत जाता है और 10 अन्य राजा हार जाते हैं। सुदाश के द्वारा आर्य साम्राज्य की स्थापना कर दी जाती है और इसी और वैदिक सभ्यता का जो निर्माता है या वैदिक सभ्यता के बारे में जो आर्य आए थे वो सुदाश के बाद में आए और यहाँ से अनार्यों को भगा करके आर्य साम्राज्य की स्थापना करने वाले थे सुदाश। ठीक है, और दाशराग युद्ध किन किन के बीच में हुआ याद रखना है, सुदाश व 10 राजाओं के मध्य। दाशराग युद्ध का वर्णन कहाँ मिलता है, दाशराग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के सातवें मंडल में देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, अब बात आती है कि हमारा जो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद जो कि सबसे प्राचीन वेद है, उसमें भारत की जो भी इम्पोर्टेंट नदियाँ थी उन नदियों के नाम बताए गए हैं। हमारे वर्तमान में जो नदियाँ बह रही है वो नदियाँ ऋग्वेदिक काल में भी बहती थी, इसका उल्लेख हमें ऋग्वेद से प्राप्त होता है। तो ऋग्वेद में किन किन नदियों को किन किन नामों से जाना जाता था वो इस वीडियो में देखते हैं। क्यों बच्चों, क्योंकि रीट एग्जाम के दृष्टिकोण से बच्चों ये नदियाँ बहुत इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि ऋग्वेदिक काल में सरस्वती नदी को, घग्गर नदी को किस नाम से जाना जाता था। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है झेलम नदी को किस नाम से पुकारा जाता था। तो इन सारे प्रश्नों का हल इस टॉपिक के माध्यम से आपको चल जाएगा। कई बार SSC जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स है उनमें इसके अंदर से क्वेश्चन पुटअप हुआ था बच्चों। तो आपको ये ऋग्वेदिक काल की नदियों को बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है। अब आता है ऋग्वेद में कौन कौन सी नदियों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। सिंधु नदी को कहा जाता था सिंधु नदी, अभी भी सिंधु नदी। सरस्वती नदी वर्तमान की घग्गर नदी को उस काल में ऋग्वेदिक काल में सरस्वती नदी के नाम से
जाना जाता था। सतलज नदी को ऋग्वेदिक काल में सपुद्री नदी के नाम से जाना जाता था। सतलज को क्या कहा जाता था? शतुद्री नदी कहा जाता था। रावी नदी को परुषणी नदी के नाम से जाना जाता था। व्यास नदी को विपाशा के नाम से जाना जाता था। झेलम नदी को वीतस्ता के नाम से जाना जाता था। चिनाब नदी को अस्किनी के नाम से जाना जाता था। और ये जो नदियां हैं इनके बारे में कई बार क्वेश्चन पुटअप किए हैं बच्चों, तो एक बार और सुन लीजिए। सिंधु नदी को सिंधु, घग्गर नदी को सरस्वती, सतलज नदी को सतुद्री, रावी नदी को परुषणी, व्यास नदी को विपाशा, झेलम नदी को वीतस्ता, चिनाब नदी को अस्किनी, इन सब के बारे में कहा जाता था। वर्तमान में आज भी भारत में ये सारी नदियां बहती है और बहती हुई पाकिस्तान में चली जाती है। कौन कौन सी? सतलज नदी, जिस पर भारत का सबसे बड़ा बांध बना हुआ है बच्चों, कौन सा? भाखड़ा नांगल बांध। घग्गर नदी जो कि राजस्थान में बहती है, जिसके किनारे कालीबंगा सभ्यता का विकास हुआ था। रावी नदी है, व्यास नदी है, व्यास नदी पर भी बांध बने हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा झेलम नदी, झेलम नदी जम्मू एंड कश्मीर में है, जिसके किनारे पर झेलम शहर बसा हुआ है, जम्मू कश्मीर बसा हुआ है। चिनाब नदी, चिनाब नदी राजस्थान भारत में बहते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। तो ये सारी नदियां हैं जिनको ऋग्वेदिक समाज में इन्हीं नामों से जाना जाता था। अब बात आती है कि ऋग्वेदिक काल में गंगा का केवल एक बार उल्लेख मिलता है, जबकि यमुना को तीन बार यमुना शब्द का उल्लेख जो है आपको ऋग्वेद में प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा ऋग्वेदिक काल में सबसे ज्यादा जिस नदी का उल्लेख मिलता है बच्चों, वो है आपकी सरस्वती नदी। कौन सी नदी? सरस्वती नदी का सबसे ज्यादा बार उल्लेख हुआ है। इससे पता चलता है कि ऋग्वेदिक समाज में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना जाता था। कौन सी नदी को? सरस्वती को, जिसको वर्तमान में घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है। और सरस्वती को उस समय अम्बितमे, देवीतमे, नदीतमे के नाम से जाना जाता था। तो सरस्वती नदी का क्या क्या नाम था उस समय? अम्बितमे के नाम से भी जाना जाता था, देवीतमे के नाम से भी जाना जाता था, और नदीतमे के नाम से भी उस समय इसको जाना जाता था। अब उसके बाद आता है बच्चों, क्या ऋग्वेदिक काल का राजनीतिक जीवन कैसा था? बच्चों ऋग्वेदिक काल में कैसा राजनीतिक जीवन था? ऋग्वेदिक समाज की अगर हम बात करें तो उनका राजनीतिक जीवन कैसा था, इसके बारे में हम देख रहे हैं बच्चों। रीट के अकॉर्डिंग या अदर कंपटीशन एग्जाम्स के दृष्टिकोण से बच्चों ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो मेरा पूरा वीडियो देखें ताकि आपको वैदिक सभ्यता के बारे में समझ में आ जाए। तो देखिए राजनीतिक जीवन, राजनीतिक जीवन की अगर हम बात करें बच्चों, तो राजनीतिक जीवन में गांवों के जो लोग थे उन सबको मिला करके कबीले बने। क्या बने? कबीले बने। कबीले का मुखिया बना, धीरे धीरे एक कबीले ने दूसरे कबीले पर अधिकार कर लिया, और इस तरीके से कई कबीलों से मिल करके किसका निर्माण हुआ बच्चों? जन का निर्माण हुआ था। किसका निर्माण हुआ? जन का निर्माण हुआ था। और जन का जो मुखिया था उसी को बच्चों राजन के नाम से जाना जाता था। जन का जो प्रमुख था वो ही राजा का होता था। और कई जात ऋग्वेद में कई जगह ये कहा गया है कि राजा का पद वंशानुगत होता था, लेकिन वो निर्वाचित और पुनः निर्वाचित भी किया जाता था। इसका उल्लेख हमें
ऋग्वेद से प्राप्त होता है। वो तो कई कबीलों से मिलकर के जल का निर्माण होता था। जल का मुखिया राजन कहलाता था। पद वंशानुगत होता था। निर्वाचन के माध्यम से राजा का चुनाव होता था, जिससे पता चलता है कि ऋग्वेदिक समाज में गणतंत्रात्मक व्यवस्था विद्यमान थी। कौन सी व्यवस्था विद्यमान थी बच्चों? गणतंत्रात्मक व्यवस्था विद्यमान थी। जो आपका राजा होता था उसको जनश्च गोपा, भूपति और गोपति के नाम से भी जाना जाता था। ये भी आपके जितने भी फैक्ट्स मैंने आपको बोर्ड पर लिखवाए हैं वो सारे के सारे बच्चों आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो जन का जो प्रमुख होता था बच्चों, उसी को हम क्या कहते थे? हम जनस्य गोपा, भूपति और गोपति के नाम से उसको जाना जाता था। उसके बाद आता है कि यहाँ पर कई जन प्रतिनिधि संस्थाएं भी विद्यमान थी। इसका उल्लेख ऋग्वेद से हमें प्राप्त होता है। तीन संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। पहली है आपकी विदर्भ, दूसरी है सभा और तीसरी है समिति। इन तीनों राजनीतिक संस्थाओं का उल्लेख ऋग्वेदिक समाज में मौजूद था। ऋग्वेद में विदत का उल्लेख 122 बार किया गया है। विदत नामक जन प्रतिनिधि संस्था का उल्लेख ऋग्वेद में 122 बार किया गया है, जबकि सभा का उल्लेख हमें 8 बार मिलता है, जबकि समिति का उल्लेख हमें 9 बार ऋग्वेद में देखने को मिलता है। तो आपने देखा ये तीन राजनीतिक संस्थाएं थी। उसमें सबसे पहली संस्था विदत की बात करें बच्चों, तो ज्ञान व विद्या से संबंधित जो जन प्रतिनिधि संस्था थी उसका नाम था बच्चों विदत। ये एक जन सभा थी, जन प्रतिनिधि संस्था थी। इसमें स्त्री व पुरुष जो भी गांव के सदस्य होते थे सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक रीति रिवाजों से संबंधित तर्क और वितर्क करते थे और आगे जो है राजा को उस निर्णय को भेजते थे। तो एक जन प्रतिनिधि संस्था के रूप में काम करती थी कौन? विदत। ठीक है बच्चों, उसके बाद आता है बच्चों सभा। सभा एक उच्च सदन था जिसमें उच्च कुलीन वर्ग के लोगों को शामिल किया जाता था। इसके अलावा समाज में जो वृद्ध और जिनको एक्सपीरियंस था उन लोगों को सभा में शामिल किया जाता था। उसके बाद आता है बच्चों समिति। समिति में जिसका 9 बार ऋग्वेद में उल्लेख हुआ है, ये निम्न सदन था। जन प्रतिनिधि संस्था थी। जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि इस समिति में बैठते थे और अपनी आवाज को राजा तक पहुंचाते थे। तो इन तीन संस्थाओं का उल्लेख ऋग्वेदिक समाज में देखने को मिलता है। विदर्भ, सभा, समिति। सभा उच्च सदन, समिति निम्न सदन, जनसभा विदत। विदत का उल्लेख 122 बार देखने को मिलता है, सभा का उल्लेख 8 बार देखने को मिलता है और समिति का उल्लेख हमें 9 बार देखने को मिलता है। तो आज हमने ऋग्वेदिक समाज के राजनीतिक जीवन के बारे में अध्ययन किया। आगे के वीडियोस में हम सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे बच्चों। तो रीट एग्जाम के दृष्टिकोण से मेरा ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो मेरे पूरे वीडियो को देखें और जो मैंने बोर्ड पर फैक्ट्स लिखवाए हैं उसको कॉपी में लिखते जाइए। आप कॉपी में लिखेंगे तो आगे की तैयारी में जब आपके एग्जाम नज़दीक होगा तो आपके लिए ये बहुत ही फायदेमंद साबित होगा बच्चों। तो देखते रहिए मेरे वीडियो को नव भारती स्टडी सर्कल चैनल पर और रीट एग्जाम की तैयारी करिए। सिलेक्शन आपका पक्का होगा। धन्यवाद।